मैं पहले ही बोला था ना रिकॉर्ड सुनना। चलो फर्स्ट ले लो, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ये हुआ था ना। तो देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास, ठीक है। चलो देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम ऑन अ स्मूथ, यहाँ पे कोई भी सरफेस यहाँ पे रफ नहीं है, सरफेस कैसा है स्मूथ। तो हम बाकी का सब फ्रिक्शन में देखेंगे। सो फोर्स एफ वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल तो किस तरफ जाएगा, मास एम किस तरफ जाएगा, राइट साइड। सो द नेट एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज ए बराबर। सो अभी दूसरे कौन से फोर्सेस है, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। क्या ये ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या ये ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सॉरी वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेदर दिस इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या, क्या इट इज एट रेस्ट इन टर्म्स ऑफ वाई डायरेक्शन, इट इज एट रेस्ट। सो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इट विल मूव इन एक्स डायरेक्शन। सो ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। इट विल मूव इन कौन सा डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। सो नेट फोर्सेस क्या होगा, नेट फोर्स दे विल बी बैलेंस्ड इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, आर दैट इज रिएक्शन शुड बी इक्वल टू एम जी। अब बचा कौन सा, सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई अपोजिंग फोर्स है नहीं है। सो फोर्स एफ शुड बी इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स, अभी ये इफ दिस इज द एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास विल बी फोर्स, पर कैसा फोर्स है वो, नेट एक्सटर्नल फोर्स विच इज द वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे तो एक ही है, बाद में देखेंगे आगे और कुछ है। सो एम इंटू ए, सो वॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम या ब्लॉक, यहाँ पे सिस्टम में सिर्फ एक ही ब्लॉक है, तो एफ नेट एक ही तो है, सिर्फ एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स है, हम देखेंगे आगे है हमारे पास। हो गया ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ये हो चुका है हमें बराबर। नेक्स्ट देखो, नाउ इफ द फोर्स इज, ये कौन सा केस कहते हैं हम, पुलिंग या पुशिंग, दिस इज अ पुलिंग केस, पुलिंग वाला केस है। बट क्या ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, क्या ये वर्टिकल है, इट इज एट सम एंगल थीटा। तो हमें इस फोर्स के क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड कॉम्पोनेंट्स, हमें इसके कॉम्पोनेंट्स देखना पड़ेगा। तो इस फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स क्या आएंगे, दिस इज वन कॉम्पोनेंट दैट इज एफ कॉस थीटा, और ये आएगा इस तरफ दैट इज एफ साइन थीटा। तो हमने किसको रिजोल्व किया पहले, किसको रिजोल्व किया, फोर्स को। सो दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा, हो गया दो फोर्सेस। और कौन से फोर्सेस है बोलो, और कौन से फोर्सेस है, एक वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और एक आएगा ड्यू टू कॉन्टेक्ट, एम इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस, ड्यू टू विच देर विल बी एन अनदर फोर्स, उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज योर वेट एम जी, ये हो गया आपका वेट और ये हो गया नॉर्मल, एंड वी से दैट द ब्लॉक इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट या लेफ्ट,
क्योंकि एक ही फोर्स है राइट में, कौन सा है? एफ कॉस थीटा। सो नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? नेट एक्सेलरेशन राइट। सो नेट फोर्स बोल सकते हो आप, व्हाट विल बी द नेट फोर्स? एफ कॉस थीटा। बोलो नेट फोर्स। अरे नेट फोर्स एम इनटू ए इज द नेट फोर्स है ना। सो अभी इक्वेशन बोलो, एक एक्स में एक वाई में, एक्स में दोनों फोर्सेस शुड बी, फोर्सेस शुड बी बैलेंस बिकॉज क्या उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट, हाँ सॉरी वाई में, वाई में क्या इस मास का कुछ डिस्प्लेसमेंट है? क्या ये मोशन कर रहा है वाई में? नहीं है। सो बोलो एफ साइन थीटा प्लस एन शुड बी इक्वल टू एम जी। सो वॉट इज दी नॉर्मल? ये नॉर्मल अभी ट्राई टू फाइंड नॉर्मल, क्योंकि हमें बाद में किसमें यूज होता है? फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में। सो कीप दी, कीप इन माइंड कि आपको नॉर्मल निकालना ही आता है, वहां भी इजी होगा। एम जी माइनस एफ साइन थीटा, नॉर्मल बड़ा कि कम हुआ? विल कंपेयर, ये एक केस है, आगे एक केस है। ये किसका है, पुलिंग या पुशिंग? पुलिंग का है, ठीक है। अब ये तो बैलेंस्ड है, फर्स्ट आपने नॉर्मल निकाल दिया, नॉर्मल रिएक्शन। अब बोलो एक ही फोर्स है, दैट इज एफ कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू एम ए। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाय एफ कॉस थीटा बाय एम इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बोल सकता हूं यस और नो? हाँ या ना? बराबर, ये लिख लो। हो गया? कोई डाउट है बेटा? डाउट है? डाउट है? उसको तो बोल रही थी कॉम्पोनेंट ये वो। यहाँ पे एक फोर्स इसलिए ऐसा होता है, बाद में फिर कुछ फोर्सेस आएंगे और सॉल्व होगा। हो गया ना? इसके इस केस में आप नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा देखो। नॉर्मल क्या है? mg माइनस जो कुछ भी वेट है, वेट से कुछ माइनस हो रहा है ना। सो नॉर्मल क्या होगा? फॉर अ ब्लॉक प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब इसके साथ कंपेयर करो। अब इसके साथ कंपेयर करो, व्हाट इज द नॉर्मल? ये r से लिखा है हमने, दिस इज mg। अब इसमें क्या हो गया? मैंने एक फोर्स ले लिया, एक थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन कर दिया, दैट इज पुलिंग। तो वहां पे क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन बड़ा या कम हुआ? बढ़ गया क्या? कम हो गया? कम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, ये क्या है? पुशिंग एट सम एंगल थीटा, एट सम एंगल थीटा। क्या ये फोर्स x या y एक्सिस पे है? अब हमारी x एक्सिस y एक्सिस कौन सी होनी चाहिए? जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल होगा तो आप कभी भी x एक्सिस ये कंसिडर करोगे और ये आपकी क्या होगी? y एक्सिस होगी। गॉट इट? ए वन विल बी एक्स एक्सिस, अनदर विल बी वाई। तो एक्स एक्सिस कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस कहां पे कंसिडर करोगे आप? ऑलवेज यू विल कंसिडर अलोंग द मोशन, भी बोल सकते हैं या फिर प्लेन बोल सकते हो,
यहाँ पे हॉरिजेंटल है, अब आगे आएगा इंक्लाइंड, इंक्लाइंड होगा तो एक्स विल बी अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, एक्स विल बी अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। सो दिस विल बी योर कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये क्या होगी फिर आपकी वाई एक्सिस हो गया। अब फोर्स के दो कंपोनेंट बोलो, फोर्स के दो कंपोनेंट बोलो इसके, वन विल बी डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड आएगा यहां पे लिखो ठीक है, फिर वेट भी आएगा यहां पे, वेट भी आएगा, वेट ऑफ द ब्लॉक, ये सेम होंगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट की वजह से ऊपर, अब फोर्स का एक कंपोनेंट बाकी है, वेदर दिस इज योर अनदर कंपोनेंट, हो गया। अब इसकी वैल्यूज बोलो, एक एम जी, दूसरा इसका एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ये क्या हो गया एफ कॉस थीटा, एंड ये जो नॉर्मल है ड्यू टू कॉन्टेक्ट ये क्या होगा लेट अस से एन। क्या ये ब्लॉक वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या ये अप एंड डाउन मूव करेगा या लेफ्ट राइट, मतलब यहां पे क्या होगा लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा बराबर, तो ब्लॉक विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। तो अनबैलेंस फोर्स किस डायरेक्शन में है, बैलेंस फोर्सेस किस डायरेक्शन में, बैलेंस कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस क्या है बैलेंस्ड है, तो बोलो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस एन शुड बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। नाउ अभी थोड़ा सा नॉर्मल कंपेयर करो, बढ़ गया नॉर्मल, क्या हो गया प्लेन था फोर्स हॉरिजेंटल था, तो एम जी बाद में एक एंगल पे पुल कर रहे थे तब एम जी माइनस एफ साइन थीटा, अब पुश कर रहे तो नॉर्मल बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, नॉर्मल बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। सो वेदर द पुलिंग इज बेटर और पुशिंग इज बेटर, पुलिंग इज ऑलवेज बेटर देन पुशिंग, क्योंकि मोशन को अपोज करने वाला फोर्स कौन, फ्रिक्शन। मान लो आपको एक टेबल पुल करना है या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाना है, आप पुल करोगे या पुश करोगे, पुश अगर करोगे से दिस इज द एग्जांपल, पुश अगर करोगे तो आपका नॉर्मल फोर्स क्या हो गया बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ा तो फ्रिक्शन, एंड व्हाट डज फ्रिक्शन डू, इट अपोजेस द मोशन, वो मोशन को क्या करता है अपोज करता है। तो वेदर यू विल बी एबल टू मूव द टेबल इजीली, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, सो पुलिंग इज ऑलवेज बेटर देन पुशिंग। ये क्लियर हुआ, वी विल अगेन स्टडी दिस इन, कहां पे स्टडी करेंगे डीप में, फ्रिक्शन में करेंगे। चलो ये तो खत्म हो गया फर्स्ट वाला, अब बोलो बैलेंस या अनबैलेंस, एक्स में, एक्स में, वाई का हो गया एक्स में, बोलो बैलेंस या अनबैलेंस, अनबैलेंस है, अनबैलेंस है, द ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेट अस से विद एन एक्सेलरेशन ए, सो द नेट फोर्स विल बी एम इनटू ए, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम इनटू a, so what is the acceleration, a will be equal to f cos theta by m, so ye ho gayi aapki acceleration, so in teen cases mein, first mein to aapki acceleration kya aayi, f by a na, horizontal force was horizontal, tab kya aaya acceleration f by a, jab humne pull kiya with an angle theta the acceleration remains same, that is f cos theta by m, push kiya to bhi f cos theta by एम, पर दोनों में चेंज क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल पुलिंग के केस में क्या हुआ कम हुआ, और पुशिंग के केस में जैसे ये वाला पुशिंग के केस में नॉर्मल क्या हो गया बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया, लिख लो। कोई किसी गाड़ी का इंजन आगे होता है, किसी का पीछे होता है,
पीछे से खींचेगा तो उसको ज्यादा फोर्स मारेगा, मतलब पुश करके करना ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे हुआ तो, हां इंक्लाइन प्लेन पे हुआ तो पुशिंग वो हो जाता है, वो है ना फिर नॉर्मल देखना है फ्रिक्शंस में। क्या हुआ क्या हुआ हो गया डन। ये क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं सो दैट आपको अगर अभी कभी भूल गए तो आप देख लेना इसको। अरे हां सर आज लगने वाला डाउट ना था, आज नहीं आज इनका 4-6 का, दो दिन उनका फिर आपका। डन नेक्स्ट। हमने सिर्फ इंक्लाइन प्लेन एट रेस्ट देखा है तो ब्लॉक क्या एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, व्हाई डज द ब्लॉक स्लाइड्स डाउनवर्ड, क्यों नीचे आता है, साइन कंपोनेंट ऑफ वेट, साइन कंपोनेंट ऑफ व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो जैसे कि आप एक मान लो फ्लाईओवर पे है तो फ्लाईओवर पे आप मान लो साइकिल पे साइकिलिंग आपने पैडलिंग स्टॉप की, आप नीचे क्यों आते हो, वेट की वजह से या वेट के साइन कंपोनेंट की वजह से, साइन कंपोनेंट ऑफ वेट, वेयर कॉस कंपोनेंट ऑफ वेट वो क्या करेगा नॉर्मल इट विल कीप द बाइसिकल स्टिक टू द ग्राउंड, बराबर ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, हम जो वेज है वो ट्रायंगुलर उसको भी कुछ एक्सेलरेशन दे दिया, उसको भी कुछ एक्सेलरेशन। अभी इफ यू आर, आप मान लो गाड़ी में बैठे हुए और आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है, इंस्टेंटेनियसली उसने क्या किया स्पीड बढ़ा दी, तो आपको पुश कहां पे लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स, बराबर है, बिकॉज आवर लोअर बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द व्हीकल, वो आगे चल आगे जाने की कोशिश करती है और अपर बॉडी पीछे, तो कौन सा फोर्स लगता है, दैट इज अ सूडो फोर्स। सिमिलरली अगर मैंने इस ब्लॉक को पुश किया तो ये जो छोटा ब्लॉक है ऑफ स्मॉल एम उसको फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड एक्सेलरेशन विल बी सेम, मास अलग है तो फोर्स विल बी मास इन टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहला एक फोर्स मिला, कौन सा फोर्स है वो सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। सो व्हाट इज द सूडो फोर्स, मास टाइम्स, इसका मास क्या है एम इनटू बी। सर इसमें वेज का मास नहीं देखते अभी, देख इस केस में नहीं है, बाद में दूसरा है, इसमें हम सिर्फ इसके ऊपर देखते हैं स्मॉल मास एम, हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला था, वेट लो फिर बाद में कंपोनेंट नहीं करना है, क्या करना है हमें, दो कंपोनेंट हमें पहले से ही पता है, व्हाई डज द ब्लॉक कम्स डाउनवर्ड, साइन कंपोनेंट। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां पे लोगे, आप कहां पे लोगे, कैसे लोगे, अलोंग दी प्लेन ना, ये प्लेन कौन से प्लेन पे है, ये ना इंक्लाइन प्लेन विच इज एट एन एंगल थीटा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सो दैट हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो वेट के दो कंपोनेंट, ये कौन सा होगा, पहले क्लासेस में देखा ना हमने वेट का ये कंपोनेंट कौन सा, mg cos थीटा, ये वाला कौन सा mg sin थीटा। एक सिंपल ब्लॉक हो, एक इंक्लाइन प्लेन थीटा, थीटा एंगल पे एक प्लेन है वहां पे हो, अगर उसको हमने रिलीज किया, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस तो ब्लॉक नीचे क्यों आता है, व्हाई डज द ब्लॉक मूव डाउनवर्ड, साइन कंपोनेंट ऑफ वेट। अब वेदर दिस ब्लॉक इज इन कॉन्टेक्ट विद द वेज तो कौन सा फोर्स आएगा देयर विल बी अ नॉर्मल फोर्स, ये आ गया। क्या सारे फोर्सेस एक्स वाई एक्सिस पे आ गए,
नहीं सारे नहीं आए। देखो ये है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। ये क्या कौन सा फोर्स है? एम जी कॉस थीटा है ना, थीटा इज दी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये कौन सा है? एम जी साइन थीटा। इस इज एम जी साइन थीटा, ये क्या है? नॉर्मल है। अब एक फोर्स बचा, कौन सा फोर्स है? वो सूडो फोर्स एम बी है ना, सूडो फोर्स बचा हुआ है। क्या मैं बोलू ये और ये दिस सरफेस बोथ आर कैसे? क्या ये और एम बी पैरेलल है? वेदर दिस आर पैरेलल। इसका एंगल देखो, व्हाट इज द एंगल? दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी एंगल क्या हुआ? थीटा। तो क्या इसके हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं? तो बोलो दो कंपोनेंट इसके, एम बी यहाँ होगा एम बी कॉस थीटा एंड ये एंड दिस विल बी एम बी साइन थीटा। सो दिस इज योर एम बी कॉस थीटा और ये हो गया एम बी साइन थीटा। ब्लॉक किस डायरेक्शन में मोशन करेगा? एक्स या वाई? दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। वेदर इट विल मूव डाउनवर्ड या अपवर्ड? नहीं, इट डिपेंड्स कि उसका एक्सेलरेशन क्या, बी का एक्सेलरेशन तो वेज है ना उसका क्या है। अगर ज्यादा दे दिया तो ब्लॉक विल मूव अपवर्ड, कम दे दिया द ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड, इट डिपेंड्स। सो हम इंक्लाइंड है, पर जितना ज्यादा पुश करेगा तो वो ऊपर भी आ सकता है ना, क्योंकि ये अगर फोर्स ज्यादा हो गया तो एम बी कॉस बीटा एम बी कॉस थीटा ज्यादा हो गया तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? रिजल्टेंट के ऊपर। तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनी भाई, यहाँ पे कितने कंडीशन बनी? तीन। एक, रुकेगा कब? इक्वल होगा तो। नीचे कब आएगा? एम जी साइन थीटा ज्यादा हो गया तो। ऊपर कब जाएगा? एम बी कॉस थीटा ज्यादा हो गया तो। एंगल का क्या? ये क्या, एक बार अगर तूने ट्रायंगुलर ले लिया तो उसका क्या एंगल चेंज करेगा? अरे नीचे क्यों जाएगा, ये बी के ऊपर है ना। एक मिनट, सूडो फोर्स ज्यादा हो गया। अभी फोर्सेस के ऊपर तो डिपेंड करता है ना भाई। अब यहाँ पे ठीक है, एक बात बोल, क्या ये y एक्सिस पे मूव करेगा? नहीं करेगा, y पे तो नहीं करेगा, राइट? ठीक है, तो मुझे एक बात बोल, पहले मुझे y की इक्वेशन बोल। चल y की बोल, y को खत्म करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल? बैलेंस्ड। सो n शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा। ठीक है, काम खत्म, इसका नॉर्मल आ गया। अब बोल व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? एक फोर्स है या दो फोर्स है वाई डायरेक्शन में? एक है या दो है? सॉरी, एक्स में एक है या दो है? दो दो फोर्सेस है। कौन से? एम जी साइन थीटा और एम बी कॉस थीटा, दो फोर्सेस है बराबर। अगर मैंने बोला कि इफ, फर्स्ट कंडीशन दे, फर्स्ट कंडीशन नंबर वन, इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम बी कॉस थीटा, क्या होगा? नेट फोर्स किस तरफ आएगा? नेट फोर्स किस तरफ आएगा? नीचे। इट विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन बराबर। हाँ, तो फिर नेट फोर्स कैसे लिखेगा? एफ नेट इज इक्वल टू लार्जर माइनस स्मॉलर, ऐसे लिखते हैं, बिकॉज द टू वेक्टर्स आर डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर है ना। सो एम जी साइन थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F is equal to m into a, because यहाँ पे मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वो वाली केस ले रहे हैं, रॉकेट प्रोपल्शन की नहीं, बराबर? ठीक है, so m into a is equal to mg sin theta minus mb cos theta, बराबर? Done?
ये मास कैंसिल कर दू सब में से, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो अगर आपका एम जी साइन थीटा ज्यादा हो गया एम बी कॉस थीटा से, सो द ब्लॉक विल स्लाइड डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन याद रख दो। अब सेकेंड कंडीशन इफ दोनों इक्वल हो गए। अब ये जी को तो चेंज नहीं कर सकता, तो एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट। मैंने एक ट्रायंगुलर मान ले टेफ्लॉन का, मैंने एक ये बना दिया स्लोप, ये ट्रायंगल बना दिया, क्या उसका एंगल आप बाद में चेंज कर सकता है? हाँ, वो नहीं है ना, किसका फोर्स, कौन सा बी ना, एक्सेलरेशन ना, हाँ तो वही तो, ये बढ़ेगा, यहाँ पे चेंज कौन हो सकता है? बी हो सकता है, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो फिक्स है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो तो फिक्स है, बराबर, ठीक है। तो आप बोलो इफ mg sin theta इज इक्वल टू mb cos theta, फिर क्या होगा? व्हाट विल बी द नेट फोर्स? टू वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, नेट रिजल्टेंट कितना होगा? एफ विल बी इक्वल टू नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। क्या मैं कहूं कि द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट? क्या मैं कहूं द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट? देन ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। और ये नीट में बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी और मेंस में भी। कंडीशन क्या है, एक मिनट, कंडीशन क्या है? एम एम कैंसल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? सो बी शुड बी इक्वल टू जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्रीवियस ईयर में है कि नहीं? जी टैन थीटा, इफ बी इज इक्वल टू जी टैन थीटा देन द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन? हाँ, किसी का डाउट था? हाँ बोल, हो गया डन? सुनो, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड ले ले। अब बोल थर्ड वाली क्या कंडीशन, अब कौन पढ़ा होगा? एम बी कॉस थीटा। सो थर्ड कंडीशन इफ एम जी साइन थीटा इज लेस देन एम बी कॉस थीटा। अब बोल क्यों ये नहीं हो सकता? हो सकता है क्या? होगा भाई, क्योंकि जी कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ द ब्लॉक इज कॉन्स्टेंट। चेंज क्या हो सकता है? जो तू पुश देगा, जो एक्सेलरेशन देगा, उसको ही चेंज कर सकता है ना। बी तो बढ़ सकता है, कम हो सकता है। बी इज द एक्सेलरेशन गिवन टू द वेज, ट्रायंगुलर वेज को गिवन एक्सेलरेशन है, वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है तू, है ना। तो जी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इस केस में ब्लॉक कहां पे मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है उस डायरेक्शन में। सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? F will be equal to mg sin theta minus mg cos theta, लिया mg cos theta minus mg sin theta, mg cos theta minus mg sin theta, and net force कैसे लिखते हैं हम? M into A, which is equal to mb
cos theta minus mg sin theta. क्या कैंसिल हो गया? मास कैंसिल. सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एंड दिस विल बी अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. डायरेक्शन अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ऊपर की तरफ होगा. अब बोल, और कोई डाउट है? बोल दे भाई, पूछ. इसको ऐसा ही लग रहा है सर कि अगर ऐसा एक्सेलरेशन मूव करेगी तो नीचे ही आएगा. इसको प्रैक्टिकल ऊपर कैसे? सर कोई एग्जांपल दे दो ना. एग्जांपल के लिए क्या कर, सुन, आप कभी बाइक पे बैठते हो ना? है ना, बाइक पे बैठता है. बाइक में बैठने के बाद एक ब्लॉक ले ले रनिंग टाइम, कोई भी कुछ भी, पेपर मत लेना, फिर वो आप बोलेगा एयर की वजह से हो रहा है. हेवी ब्लॉक ले ले थोड़ा सा और उसको हाथ पे रख ऐसा, और जैसे ही उसकी मूव होती है, जैसे जैसे मूव होगा वैसे उसको इंक्लाइन कर, वो इट विल बी स्टिक टू योर हैंड. तो वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा? वो फ्रिक्शन भी आ जाता है उसमें, कोई बात नहीं. उसमें फ्रिक्शन भी आ जाता है, कोई बात नहीं. उसमें फ्रिक्शन भी आ जाता है. अभी अगर मान ले, अभी मेरे पास तो ट्रायंगुलर वेज है नहीं, अगर होगा एक ब्लॉक रखेंगे, अगर आप मूव कर रहे हो उसको, तो वो जिस डायरेक्शन में, मतलब से फॉर एग्जांपल इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, अगर आपने ज्यादा एक्सेलरेशन दे दिया तो ब्लॉक, जो छोटा ब्लॉक है ना ये ऊपर वाला, ये ऊपर निकल जाए. फास्ट एंड फ्यूरियस देखा है, उसमें वो फॉर्मूला वन कार देखा है, देखा है. फास्ट एंड वो किसका, किसमें था वो एकदम ऐसा स्लैंटेड गाड़ी बनाता है. हाँ, तो जैसे ही सामने से गाड़ी आ रही है तो क्या करता है? एट में क्या, आई थिंक सो, सेवेंथ या एट में. तब क्या हो जाता है, वो अंदर घुस जाता है तो गाड़ी ऊपर से निकल जाती है. वहां पे भी हो सकता है. हो गया, वेज चाहिए भाई उसके लिए. ट्रायंगल है, अरे हाथ से भी कर सकता है, वैसे कुछ नहीं. एंगल रखो, पर वो एंगल कांस्टेंट नहीं रहेगा. हाथ से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम, वो कर लेंगे उसके बारे में. चलो ले लो. अरे सबसे, और एक एग्जांपल बोलता हूँ. कभी कभी गाड़ी, जब हम मान लो दिवाली हो या दशहरा हो, तो गाड़ी के ऊपर हम हार लगाते हैं, राइट? स्पीड कम होगी तो हार जो है उस पोजीशन में रहेगा, या फिर इट विल बी स्टिक टू दी विंडो. जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो वो हार क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा. तू वैक्यूम में कर ले भाई, तू जा स्पेस में जाके करके आ जा. एलन मस्क को मिल, स्पेसएक्स से भेज देगा तेरे. ये अगर देखना हो ना, कभी भी बॉलीवुड मूवीज मत देखना, उसमें फिजिक्स का कुछ नहीं होता. बॉलीवुड देख लेना. रजनीकांत का बहुत फेमस. रोहित शेट्टी को तो कुछ काम ही नहीं, जब देखो तब गाड़ी उड़ाता है. और गाड़ी तो ऐसी उड़ती है ना, मोशन में होगी तो सीधा वर्टिकली ऊपर चली जाएगी भाई. उसको प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाना पड़ेगा उसको. चलो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, ब्लास्ट के बाद